रूस अपने दुश्मन यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उसके महत्वपूर्ण इलाकों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। यूक्रेन की इस हालत के लिए सबसे बड़े दोषी उसके सहयोगी हैं। इसलिए अमेरिका जैसे सहयोगियों ने यूक्रेन की मदद तो की, लेकिन तब की जब वो रूसी हमलों से काफी ज्यादा झुलस चुका था। दरअसल यूक्रेन रूसी हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से अपने पश्चिमी और नेटो सहयोगियों पर निर्भर था और जब इनसे मिले हथियार खत्म हो गए तो यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और सैनिक बार बार सहयोगियों से सैन्य हथियार की मांग करते रहे, लेकिन अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अब ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में यूक्रेन के खारको इलाके में रूसी कब्जे को रोकने में विफल रहने पर पूरी दुनिया पर दोष मढ़ दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिति को बदलने के लिए सभी को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। ज़ेलेंस्की का ये बयान तब आया है जब रूसी सेना ने पिछले हफ्ते यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर के पास कई बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि अब हालात बहुत ही कठिन है और यूक्रेन के साथ एक स्थिति ये भी है कि अब उसके पास सैनिक बहुत कम बचे हैं। हथियारों की कमी से लड़ते हुए उसके कई सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। ज़ेलेंस्की से जब पूछा गया कि क्या वो यूक्रेन की विफलता के लिए अमेरिका की गलती मानते हैं, उन्होंने कहा कि ये दुनिया की गलती है। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर यूक्रेन में पुतिन को कब्जा करने का मौका देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन खारको को खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता और देश के उत्तर पूर्व में महत्वपूर्ण शहर पर कब्जा करने के लिए दुनिया यूक्रेन की मदद कर सकती है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें सिर्फ दो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास दो पैट्रियट सिस्टम आ जाए तो रूस खारको पर कब्जा नहीं कर पाएगा। हाल ही में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिए गए सहायता पैकेज के बारे में ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये वास्तव में उनके देश तक नहीं पहुंच रही है। उसे यूक्रेन को देने की जगह अमेरिकी कारखानों में और अमेरिकी नौकरियां पैदा करने में खर्च किया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन का दौरा किया और यूक्रेन को आश्वासन दिया कि अमेरिका यूक्रेन के लिए अरबों डॉलर के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए प्रयास कर रहा है। हालांकि रूस का कहना है कि यूक्रेन को भले ही कितने भी पश्चिमी हथियार दे दिए जाए, लेकिन उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उसने ये भी चेतावनी दी कि यूक्रेन को हथियार की सप्लाई जारी रखने से सिर्फ रक्तपात ही बढ़ेगा और इससे सीधे रूस और नेटो के बीच टकराव का खतरा बढ़ जाएगा। इस पूरे मामले में समझने वाली बात यह है कि रूस बार बार ये कहता है कि पश्चिमी मदद से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद भी रूस युद्ध रोकने के लिए कोई बड़ी पहल नहीं कर रहा है, जबकि यूक्रेन के पास कुछ समय पहले तक हथियारों का भारी संकट था और उसके पास रूसी हमलों का जवाब देने की क्षमता नहीं थी। ऐसे समय में युद्ध रोका जा सकता था, लेकिन शायद ये युद्ध जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। इस युद्ध में आमने सामने तो रूस और यूक्रेन लड़ते दिख रहे हैं, लेकिन पीछे से इस युद्ध को कोई और लड़ रहा है। यही वजह है कि 2 साल से भी अधिक समय से चल रहा ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। Give me another.